आज से बहुत साल पहले एक अंधेरी रात में मैं अपनी बीमार माँ को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक एक औरत ने आकर एक नन्हे से बच्चे को मेरी माँ की गोद में डाल दिया और कहा, इसकी जिंदगी खतरे में है, इसे बचा लीजिए। और वो वहाँ से चली गई। उस बच्चे को मेरी माँ ने मेरी गोद में डालकर कहा, अब इसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो बच्चा कोई और नहीं था जीवा, तुम्हारे पिताजी थे। मैं सच कह रहा हूँ जीवा, तुम लोगों से मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने आज तक शादी ही नहीं की। अरे जीवा, तुम लोग तो सिर्फ इतना जानते हो कि तुम्हारे पिता एक ड्राइवर थे और एक एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन सच बात तो यह है कि उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। वो पुलिस डिपार्टमेंट के टॉप लेवल के अंडरकवर एजेंट थे। मुझे ये सारी बातें उनके देहांत के बाद पता चली। उन्होंने सैकड़ों जाने बचाई हैं। वो मामूली नहीं, महान इंसान थे बेटा। ऐसे महान इंसान के बेटे हो तुम, लेकिन तुम्हारे हर कदम से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये जब सुनता हूँ तो मेरा कलेजा टूक टूक हो जाता है। तेरे अंदर एक शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है ये जानने का वक्त अब आ चुका है। और वो तुम्हें जानना है, जब तुम्हारे पिता इतने महान थे तो तुम्हारे दादाजी वो तो और भी महान रहे होंगे। तुम्हारे जन्म का रहस्य उसी साधु से पता चलेगा। चलो बेटा, उन्हें ढूंढते हैं, नहीं तो वो चले जाएंगे। चलो बेटा। मम्मी, आप लोग यहाँ देखिए, हम लोग उस तरफ देखते हैं। आइए दादा। कहाँ चले गए होंगे? भी यहाँ आए थे ना? हाँ। तुम वो साधु को ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ। तुम यहाँ पर आओगे, उनके बारे में पूछोगे, ये सब मुझे बता कर गए थे। और क्या कहा? वो किस गांव में मिलेंगे ये भी बताया था। किस गांव में? बापरे, उनकी बातें अभी भी मेरे कान में गूंज रही हैं। राम दुर्गा। देखो जीवा, तुम्हारे जन्म का रहस्य सिर्फ वो साधु ही जानते हैं, और वो रहस्य जानने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द राम दुर्गा जाना ही होगा। ठीक है दादाजी। रेनाडा घंटा लेट नहीं है, ये अब जाएगी ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? अंदर देख। कौन है अंदर? जरा वहाँ का नजारा तो देख। मामा, क्या कर रहे हैं? उनको बोल रहा हूँ मैं, आपकी होने वाली बहू है। कहाँ जा रही हो? चलो, हमारी सीट यहाँ है, इधर आओ। यस मामा, गुड लक। सलाम मैडम, आप भी बैठ जाओ। अरे बैठो ना मैडम, टीसी आ जाएगा, बैठो ना। क्यों नहीं मान रहे हो? बैठ जाओ ना। तो चलो अंदर, तुम भी अंदर। बेचारा बहुत मेहनत करता, लगेज भारी जो है। खुद लगेज से कम है क्या? जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। मोटू तो कोई तांत्रिक लगता है। मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। अरे इसे देखो, ये तो पूरी मस्ती के मूड में लग रहा है, और लाल पीली है, परेशान लग रही है बेचारी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आई थिंक आपको ये जगह सूट नहीं हो रही है, हम सीट एक्सचेंज कर ले। नो थैंक यू। देखिए, मैं आपकी भलाई के लिए। नो थैंक यू। आई लाइक योर हेल्पिंग नेचर।
लेकिन ये तो बड़ी नकचढ़ी है यार। भलाई का जमाना नहीं है यार। वैसे हम लोग आमने सामने, एंगल अच्छा है। गेंडी, ए, गेंडी किसको बोला रे? एक जमा के दूंगी ना थोबड़ा ही अलग हो जाएगा। सीधे दोनों बजा रहे। मैडम इसीलिए कह रहा हूँ आप कंफर्टेबल नहीं है, सीट एक्सचेंज कर लीजिए। चुप बैठ, एक बार कहा ना नहीं। अगेन आई लाइक योर हेल्पिंग नेचर। अरे छोड़ो यार, फिर कोशिश करो। गैंडी, ये तेरा बेटा है क्या? ए, क्या बकरा है बे? मैं इसका हाउस हस्बैंड हूँ। हाउस हस्बैंड क्या होता है बे? जैसे हाउस वाइफ होती है वैसे ही मैं इसका हाउस हस्बैंड हूँ। क्या मैडम, गले में इतना सोना बबीता को फॉलो करती हो? अगर ज्यादा है तो इस बच्चे के खीसे में डाल दो। आया बड़ा। जेम्स, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। मैडम, आप यहाँ पे बैठ जाइए। क्या है कि चुपचाप बैठने के लिए कहा, बैठे रहो। बेटा ये अपने झांसे में नहीं आने वाले। आई लाइक योर हेल्पिंग नेचर। अब चुप भी हो जाओ भाई, आप कोशिश करते रहिए। बहुत अच्छे हाथ है। क्या अभी इसके साथ तबला बजाना शुरू कर दिए? क्या हुआ, कोई भी सीट खाली नहीं है। मैडम मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, आप मेरी बात मानती क्यों नहीं? क्यों सबको डिस्टर्ब कर रही है? कम ऑन सीट विद मी। सब कुछ चोर उठा के ले गया। अच्छा, मेरा अंडरवेयर तक नहीं छोड़ा उसने। मेरा सब कुछ सेफ है। तू तो अब बैग और पर्स ही गया है। तुम तो मेरे बारे में तो सोचो। वो लोग मेरी बीवी तक उठा के ले गए। तुम्हारा सामान कैसे चोरी हो गया? अरे अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए ना। ये देखो, थोड़ा हमें भी दे दो। मेरा सामान अपनी जगह पर है, देख लिया ना? मामा मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मुझे भी एक शर्ट देना यार। बस इतनी सी बात। अरे ले लो ना मामा। अच्छा अच्छा, ए हट रे। थोड़ा तो वजन कम हुआ। क्यों तेरी बहन से मेरी शादी करवाएगा? मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ है। अभी सिर्फ उस मनहूस के पास ही पैसा है। अगर तुम थोड़ा उसके साथ कॉम्प्रो कर लो तो हम गांव तक पहुँचेंगे। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ? कुछ करो ना। क्यों आ गए वो लोग। फ्रेश हो गया मामा, सीने से चूर हो गया। एक्चुअली आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। बोलो बोलो। आप भी मुंबई ही जा रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ कर्नाटक के करौली स्टेशन पे उतर कर वहाँ से हम राम दुर्गा जाएंगे। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है मोटे? वो मेरा खानदानी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम राजस्थान एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि पहले वाला कैंसिल हो गया था। क्योंकि आपने उस पे नजर लगा दी तो हमने सोचा चुप करना। आप जहाँ जा रहे हैं हम भी वहीं जा रहे हैं, एक ही जगह है, एक ही रूट है। अगर आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे ना तो राम दुर्गा पहुँचते ही हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे। आप हमारी हेल्प करेंगे? सिर्फ एक कंडीशन। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है मैडम? इसके इरादे नेक नहीं है। चुप रहना। मुझे अबे जाबे करके नहीं, ठीक है? बिना वजह गाली वाली तो कभी नहीं दो। देखना पड़ेगा। फुल डील। मॉम्स डील। यस। अरे करौली आ गया भांजे। मैडम लेडीज फर्स्ट। नहीं सर, आप फर्स्ट। नहीं नहीं, मैं उसूल का बड़ा पक्का हूँ, लेडीज पहले जाएंगी। नहीं आप जाइए। नहीं मैडम, पहले आप। आप जाइए। नहीं मैडम, आप जाइए। आप जाइए ना मैडम। आप जाइए मैडम, जाइए ना मैडम। नहीं जा सकती। नहीं आप जा सकती है मैडम। नहीं हो रहा। होगा मैडम, होगा होगा। ऑटो चलोगे क्या? क्या है इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? कहाँ जाना है?
राम दुर्गा। राम दुर्गा तुम नहीं चलोगे क्या? वो निशान दिख रहा है ना, वो उधर। सीधे चले जाना, राम दुर्गा आ जाएगा। हमें ऑटो से जाना है, तुम नहीं चलोगे? ऑटो तो जाएगा लेकिन तुम वापस नहीं आएगा। तुम्हारी भलाई की कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, तुम लोग राम दुर्गा मत जाओ। एक्सक्यूज मी, कौन है वहाँ पर? क्यों भाई, तुम छोड़ दोगे मैं राम दुर्गा? 500 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें राम दुर्गा पहुँचा दूंगा। हाँ चलो दे देंगे, राम दुर्गा जाना है, राम के पास नहीं। चलो आ जाओ सब लोग। अटारा में जाना पड़ेगा क्या? हर सिटीज बुलाया था, टायर पंचर हो गया। अबे औकात है क्या तेरी? झगड़ा मत करो, चलो। अब भगवान ही बचाए तुमको, जाओ जाओ स्वाहा हो जाओ। कर भी तू एक शराब की दुकान की तरह है, इज्जत लूटने के बाद भी रोटी की तरह गरम है तू। अरे ओ छमिया, अभी भी तेरा मन नहीं भरा क्या? तेरे साथ मैं प्यार करूं या फिर कुछ और करूं? देखना, कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें चीर देगा। तुम लोगों के पास तगड़ा भर चुका है, कभी नहीं भरेगा क्योंकि उसमें तो छेद ही छेद है। तुम लोगों के बाप के घर में छेद हो सकते हैं लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है नहीं, नहीं। अरे दस सिर वाला रावण भी इसी मिट्टी में समा गया, तुझ जैसे राक्षस भी इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ए, अगर उस ब्रह्मा ने तुझ जैसे राक्षस को उस दुनिया में भेजा है तो तेरा संहार करने के लिए किसी न किसी को तो भेजा ही होगा और वो आकर रहेगा। बजरंगबली, भगवान के सामने ये सब गलत काम क्यों कर रहे हैं?
वो तुम ही हो, तुम ही हो। कौन है बेटा तू? इन्हें क्यों मारा तूने? ओए ये क्या कह रहे हो? मैंने कब मारा इन लोगों को? इन सबको तुमने ही मारा है। तुम्हें पता है कौन है ये लोग? ये इंसान नहीं राक्षस है ये। तुम्हें देख के लगता है कि तुम इस गांव के नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे अरे मैं कुछ नहीं हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप ही को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। आपने कहा था ना मेरे जन्म के बारे में कुछ बताएंगे आप? आप क्या जानते हैं मैं कौन हूँ और कौन है मेरे दादाजी?